किडनी ट्रांसप्लांट का जो सेंटर है उसकी लॉन्चिंग हुई है, और उसके साथ साथ नी रिप्लेसमेंट की सेंटर की लॉन्चिंग हुई है जो डॉक्टर साहब डॉक्टर नट हेड कर रहे हैं। इसी के बारे में ये प्रेस ब्रीफिंग आज हम लोग ने की है। तो सबसे पहले तो मैं बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, में हम किडनी ट्रांसप्लांट को जो पर्सनली मेरे लिए हम ये चाहते हैं या हम लोग ये ऐसा एंटिसिपेट करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी जो कि जीवन में फिजिकल मेंटल सेक्सुअल प्रोफेशनल हर तरह का रिहैबिलिटेशन पेशेंट्स को देती है। तो आज ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं और इतने सुपीरियर हो चुके हैं, दे आर क्लोज टू 100% दैट पेशेंट्स आर लीडिंग अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ एंड देन देर इज़ अ वर्ल्ड ट्रांसवर्स हो चुके हैं एंड ईश्वर की कृपा से ये आज भी अपना सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर पा रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट की जो एडवांसमेंट्स हैं वो दो तीन एडवांसमेंट्स बड़ी की एडवांसमेंट्स हैं, जिसमें से एक तो सर्वाइवल रेट या सक्सेस रेट जो कि अब क्लोज टू 100% हो चुका है। तो किडनी ट्रांसप्लांट पहले की तरह ऐसी सर्जरी नहीं रही जिसमें कि जीवन नहीं था, अब लगभग नॉर्मल जीवन लोग व्यतीत करते हैं। दूसरी चीज़ बड़ी एडवांसमेंट जो है किडनी ट्रांसप्लांट की वो है कि जिन मरीजों के घर में डोनर होता है, सबसे पहले तो ये तथ्य बड़ा क्लियर होना चाहिए सभी को कि जो डायलिसिस है, जब किसी की किडनी ख़राब होती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो विकल्प होते हैं। एक तो या तो वो डायलिसिस पे चला जाए, जो किडनी उसके खून की सफाई का काम कर रही थी वो मशीन से आर्टिफिशियली कर लिया जाए, या दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा विकल्प होता है कि मरीज़ ट्रांसप्लांट ही करा ले, नई किडनी लगवा ले। तो जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर 100 मरीज़ों का गुर्दा ख़राब होता है और हम उनको डायलिसिस पर छोड़ दें, उनको 10 साल तक देखें, तो 100 में से हार्डली 2-4 मरीज़ 10 साल के बाद जीवित मिलेंगे। 95% लोगों को हम 10 साल के बाद मिल नहीं पाएंगे। विशेष अगर 100 लोगों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो 100 में से करीब करीब 90-95% लोग जिंदा रहते हैं 10 साल के बाद भी। तो जो सर्वाइवल्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं, पूरे विश्व में इस तरह के ट्रांसप्लांट्स काफ़ी हो रहे हैं। ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है कि बिना ब्लड ग्रुप मैच किए हुए जो भी डोनर है उसकी किडनी को लेके हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक होती है, थोड़ा सा ज़्यादा इसका स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा आता है, लेकिन इस तरह के ट्रांसप्लांट भी संभव हैं। और बहुत से मरीज़ ऐसे, इंडिया में करीब करीब 500-600 मरीज़ ऐसे हो चुके हैं और हम लोग ने तो लोग अपनी बॉडी डोनेट करते हैं। तो सरकार के नियम अनुसार अब उससे भी किडनी ऐसे रोगियों को प्राप्त हो सकती है, प्रोवाइडेड वो अपना रजिस्ट्रेशन किसी अस्पताल में करा के रखें जहाँ ट्रांसप्लांट होता है। तो अभी मेरी किसी पत्रकार भाई ने अभी पूछा था कि ऐसे में क्या ऑप्शंस हैं, तो ये तीन विकल्प हैं कि एक तो ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट करा लें जो कि लगभग उसी तरह से सक्सेसफुल है।